आरवी अपनी मम्मी की बात सुनकर हो चुका है शॉक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीवी सफर। सो फाइनली गाइस, आरवी हो चुका है अपनी मम्मी की बात सुनकर शॉक और अपनी मम्मी के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा हो चुका है आरवी। वेल दोस्तों, हुआ कुछ ये, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि अपकमिंग एपिसोड में हुआ कुछ ये कि फाइनली आपको देखने को मिला कि आरवी और मम्मी जो उसकी होती है वो दोनों के दोनों जने बात कर रहे होते हैं और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि वो दोनों के दोनों जने किसी और के बारे में नहीं बल्कि नेत्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो आरवी की मम्मी होती है यानी कि हरलीन आरवी को कह रही होती है कि क्यों ना हम नेत्रा को अपने पास बुला ले, उसको बता दे फ़ोन करके कि कल उसकी सगाई है, ये चीज़ हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि उसकी सगाई होना भी ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ तो वो बहुत ही बड़ा लफड़ा कर देगी। और ऐसा लग रहा होता है कि हरलीन जानबूझकर चाहती है कि आरवी और हरलीन की शादी हो जाए। जी हाँ, और फाइनली आपको देखने को मिला कि जो आरवी होता है उसको अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है। अब देखना ही होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। लेकिन आरवी अपनी मम्मी को कुछ बोल भी नहीं सकता है, तो देखते हैं क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। जो भी आपको लगता है होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ऐसी कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना मत भूलना। सो बाय।